सहस्रार चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः मां कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। उनके साक्षात्कार से मिलने वाले पुण्य का वह भागी हो जाता है। उसके समस्त पापों विघ्नों का नाश हो जाता है। उसे अक्षय पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके तीन नेत्र हैं। यह तीनों नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें निकलती रहती हैं। मां की नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन गर्दभ अर्थात गदहा है। यह ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती है। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का काटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़क है। मां कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन यह सदैव शुभ फल ही देने वाली है। इसी कारण इनका एक नाम शुभमकारी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। मां कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। दानव दैत्य राक्षस भूत प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। नवरात्रि की सप्तमी के दिन मां कालरात्रि की आराधना का विधान है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है व दुश्मनों का नाश होता है। बोलो जय मां कालरात्रि की, जय मां दुर्गा की, जय मां आदिशक्ति।